चामुंडा चंड घाती च यही कारी वरदायिनी विच्चय चाब्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपनी। माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। वादानुसार आज मैं नवारण मंत्र के विषय में बात करने वाला हूँ। नवारण मंत्र कैसे करते हैं, क्या विधि है, क्या पूजा होना चाहिए माँ भगवती का नवारण मंत्र से पहले, ये सब विषय मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको देवी कुंजिका स्तोत्र पढ़ के बताया था। कुंजिका स्तोत्र लोग मानते हैं कि इसलिए होता है ताकि आप कुछ भी ना करें और आपको देवी पाठ का फल मिले। मैं मानता हूँ कि जब तक कुंजिका स्तोत्र आप नहीं करते हैं तब तक किसी भी चीज़ का आपको पाठ नहीं मिलता है, क्योंकि वो चाबी है दुर्गा सप्तशती का। तो नवारण मंत्र करने से पहले भी आपको भगवती का कुंजिका स्तोत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भगवती का जो पूजा होता है वो आपको करना चाहिए, मतलब रोज़ भगवती का पूजा। कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से भगवती का पूजा होता है। सबसे पहले खुद को ओम अपवित्र पवित्रवा मंत्र से शुद्ध करें, तिलक लगाएं, उसके बाद आचमनी से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, उसके बाद संकल्प करें, फिर आवाहन करें ओम आगच्छ देवी महादेवी, उसके बाद भगवती को आसन दे, ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वतो शारदिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। ये जो शब्द है श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः, ये आपको किसी भी चीज़ को भगवती को समर्पण करना हो या फिर निवेदन करना हो तो यही मंत्र होता है, श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। उसके आसनार्थे पुष्प पानी समर्पयामि, तो फूल दिए, उसके बाद पाद देंगे, उसके बाद अर्घला देंगे, उसके बाद आचमनी देंगे, ठीक है। अर्घ जो भगवती को चढ़ता है उसमें चंदन रहता है, पुष्प रहता है, अक्षत रहता है, ठीक है। आचमन जो रहेगा भगवती का उसमें कपूर और पानी मिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद स्नान देंगे, स्नान के लिए गंगा जल हम लोग देते हैं, ठीक है। स्नान देने के बाद दूध का स्नान होता है, दही का स्नान होता है, घृत का स्नान होता है, मधु का स्नान होता है, शक्कर का स्नान होता है, पंचामृत का स्नान होता है, उसके बाद गंडोक का स्नान होता है, शुद्धोक का स्नान होता है, उसके बाद फिर से आचमन देते हैं भगवती को, फिर वस्त्र देते हैं, सौभाग्य सूत्र देते हैं, इतना कर लिया, फिर चंदन दिया, हरित चूर्ण दिया, उसके बाद कुमकुम दिया, सिंदूर दिया, काजल दिया, ध्रुवाक्षत दिया, उसके बाद बेलपत्र दिया, उसके बाद आभूषण पुष्पमाला दिया, नाना परिमल द्रव्य दिया, उसके बाद सौभाग्य पतिका दिया, धूप दिया, दीप दिया, नैवेद्य दिया, उसके बाद ऋतुफल दिया, जाम्बू फल दिया, दक्षिणा दिया भगवती को, उसके बाद प्रदक्षिणा करके मंत्र पुष्पांजलि कर लीजिए, उसके बाद नमस्कार कीजिए भगवती को, ठीक है। लास्ट में अर्पण करिए और उसके बाद शुरू करें नवारण मंत्र पे। तो नवारण मंत्र करने से पहले आपको बहुत सारा विधि करना पड़ता है। जैसे नवारण मंत्र का एक अपना संकल्प होता है, हाथ में जल ले लीजिए, उसके बाद श्री गणपतिर जयते ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णक अनुष्टुप छंदांशी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम किलम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीतीर्थे जपे विनयो, ऐसा बोल के आप जल गिरा दीजिए। उसके बाद न्यास करेंगे, ठीक है। न्यास कैसे होता है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः सिरसी, मतलब राइट हैंड से सर को छुएंगे, सर को, कपाल को नहीं, सर को छुएंगे, हाँ। उसके बाद गायत्री उष्णक अनुष्टुप छंदनभ्यो नमः मुखे, मुख को छुएंगे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, हृदय को छुएंगे, ऐं बीजाय नमः गृह, तो अपने हिप को छुएंगे, ह्रीं शक्तये नमः पदयो अपने पैर को छुएंगे, क्लीम कीलाय नमः नाभो नाभि को छुएंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पानी लेंगे और अपने हाथ को शुद्ध करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोल के। उसके बाद आता है कर्ण्याज, ओम ऐं अंगुष्टाभ्याम नमः। जब आप अलग अलग उंगलियों का कर्ण्यास करेंगे तो जो उंगली है उसके रूट से उसके टिप तक छुएंगे। जब आप अंगुष्टाभ्याम मतलब थंब का जब करेंगे तो आप अपने तर्जनी से थंब के रूट को टच करेंगे और ऐसे सीधे ऊपर तक चढ़ेंगे। इसी तरीके से जब ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः तो थंब से तर्जनी के रूट से ऊपर तक, क्लीम मध्याभ्याम नमः
तो रूट से लेकर के ऊपर तक चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, तो रिंग फिंगर के रूट से शुरू करेंगे और उसको टिप तक ले जाएंगे। उसके बाद विचे कनिष्ठकाभ्याम नमः, तो लिटिल फिंगर के रूट से लेकर के उसको टिप तक हम टच करेंगे। उसके बाद ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडोच्चय कर्तव्यपृष्ठाभ्याम नमः, तो ऐसे करके जैसे आप हाथ मलते हैं वैसे ही पूरा दोनों हाथों को एक दूसरे से छुएंगे। हृदय न्यास करेंगे तो ओम ऐम हृदयाय नमः, हृदय नमः में हृदय छुएंगे। ओम ह्रीम सिर से स्वाहा, सिर को हाथ लगाएंगे। ओम क्लीम शिखाय वसटः, तो शिखा को ऐसे स्पर्श करेंगे। उसके बाद चामुंडाय कवचाय होम, तो चामुंडाय कवचाय होम में हाथ को क्रॉस करके दोनों कंधे पे हाथ रखा जाता है। ओम चामुंडाय कवचाय होम। ओम विच्चे नेत्राय वसट, तो इसमें क्या करना होता है, मिडिल फिंगर आपके थर्ड आई पे रहता है, क्योंकि जब आप नेत्र बोलते हैं तो सिर्फ दो आँख नहीं, हम तीन आँखों की बात करते हैं, हम लोग त्रिनेत्र भी मानते हैं साधना में। तो जो आपका रिंग फिंगर है वो आपके लेफ्ट आई पे रहेगा, आपका मिडिल फिंगर आपके थर्ड आई पे रहेगा और आपका इंडेक्स फिंगर आपके राइट आई पे रहेगा, और तब आप कहिएगा ओम विच्चे नेत्राय वसट। उसके बाद फिर दो उंगली लीजिएगा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसको अपने सर के ऊपर से तीन बार घुमाइएगा, और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड रहेगा, राइट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर के ऊपर से तीन बार घुमाइएगा, और उसके बाद लेफ्ट हैंड की हथेली पे तीन बार उसको ऐसे ताली बजाइएगा, ठीक है। उसके बाद अक्षर न्यास कीजिएगा, ओम नमः शिखायाम, ओम ह्रीम दक्षिण नेत्र, ओम क्लीम वाम नेत्र। ये इस प्रक्रिया से पहले शिखा छुइएगा, फिर दक्षिण नेत्र, फिर वाम नेत्र, फिर दक्षिण कान, फिर वाम कान, उसके बाद दक्षिण नासापुटे मतलब नाक, उसके बाद मुख, और उसके बाद हिप छुइएगा अंत में। उसके बाद आता है दिशाओं का न्यास। दिशाओं का न्यास में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना होता है, लोग क्या कहते हैं जैसे ओम ऐम प्रचय नमः तो सामने चुटकी बजा दिया, तो वैसे नहीं करना। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आपका प्रचय दिशा कौन है, आपका अग्नेय कौन है, मतलब ईस्ट से शुरू करेंगे, ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ, मतलब ईस्ट से ही आपको शुरू करना है, जिस तरह सूर्योदय होता है। और उसके बाद एक बार जब आपने पढ़ लिया ओम ऐम प्रचय नमः, ओम अग्नि नमः से लेकर के ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय भूमये नमः तक आपने जब पढ़ लिया, तो फिर आप ईस्ट से शुरू करेंगे और चारों तरफ जो है चुटकी बजाएंगे, मतलब आठ दिशा प्लस आकाश और धरती पे। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान का एक मंत्र दिया है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन ध्यान का आप वही मंत्र करिएगा जो आपको आता है, अशुद्ध ध्यान मंत्र नहीं करना है। अगर मुझे आता है ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादा त्रय स्वास्वतन मुत्ते, या मुझे आता है सर्वशक्ति महामाया देवी ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गा जगन नमाता प्रणमामी मोहन भूम, जो भी आपको मंत्र आता है भगवती का ध्यान का, उसी मंत्र से आप भगवती का ध्यान कीजिएगा, और मन में ऐसा आपको दिखनी चाहिए भगवती की, हाँ भगवती मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं अब आपको जाप देने वाला हूँ, इस जाप को आप स्वीकार करें, ऐसे आप भगवती को बोलो, और आपको ये मानना है कि भगवती आपके सामने बैठी है आपका जाप सुनने के लिए और उसके बाद आपके जाप को लेने के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपने माला को उठा लें, माला हमेशा लाल कपड़े में ढक के रखें भगवती का, और उसके बाद ही उसको सिर्फ जाप के समय निकालें और फिर उसको वापस रख दें। तो आपने जब माला हाथ में ले लिया तो फिर आप माला का मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम अक्षमालकाय नमः, उसके बाद उसका मंत्र दिया ओम अम माले महामाया सर्वशक्ति स्वरूपिणी, लास्ट में ओम अक्षमाला देवते सुसिद्धिम देई दही दही सर्व मंत्र साधनी साधे साधे सर्व संधि परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। इतना कर लिया आपने, उसके बाद माला को ले, देखिए माला में कभी लेफ्ट हैंड नहीं टच होना चाहिए आपका, और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर कभी नहीं टच होना चाहिए। क्यों नहीं होता है इंडेक्स फिंगर टच, क्योंकि इंडेक्स फिंगर जो आपके राइट हैंड का होता है वो ईगो दर्शाता है। तो जब आप भगवती को जब पूज रहे हैं भक्ति भाव से, तो आपका ईगो नहीं आना चाहिए, इसीलिए किसी भी जाप में इंडेक्स फिंगर को टच नहीं करते हैं। तो भगवती का जो जाप होगा वो कैसे होता है, भगवान और भगवती के जाप में अंतर होता है माला के जाप में। तो भगवती का जब आप जाप माला पकड़ेंगे तो आप अपने रिंग फिंगर को थंब से सटाएंगे और उस पे रखेंगे अपना माला, ठीक है, और उस पे रख करके फिर आप अपने मिडिल फिंगर से उस माला को खींचेंगे। देखिए जो भगवान का जाप होता है उसमें क्या है कि आप अपने मिडिल फिंगर पे माला को रख के थंब से खींचते हैं, इसमें वैसा नहीं करना है, आपको मिडिल फिंगर और थंब को टच करना है और उसके बाद आपको अपने रिंग फिंगर और थंब को टच करना है, उस पर माला रखना है और मिडिल फिंगर से आप इसको खींचेंगे। इसके बाद 108 जाप करें, 1008 जाप करें। मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय।
चामुंडाय विच्चई। उस माला को फिर भगवती के चरणों में रख दे, जो भी आपका फोटो है, मूर्ति है, जनरली अष्ट धातु की मूर्ति रखनी चाहिए भगवती की पूजा के लिए, और रख करके उसके अंदर गुहतम गणम सुन सिद्धर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, ऐसा बोल के माँ को प्रणाम कर लेने का। उसके बाद माला को वापस जिस भी थैली में आप रखते हैं या जिस भी कपड़े में लपेट के रखते हैं उसको रख दीजिए, जहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको भगवती का कोई एक स्तुति गाना होगा, आप भगवती की कोई भी एक स्तुति याद कर ले और उसको भगवती को गा करके सुनाएं, और उसके बाद माँ को विदा करें। जैसे मैं जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, ये पूरा गाता हूँ, ताकि भगवती जब आई है मेरा मेरे अनुरोध पे, मेरा जाप कर जाप को लेने के लिए, तो मुझे मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उनको कुछ स्तुति करके सुनाऊँ। ठीक है, इतना कर लिया तो फिर आपका नवारण मंत्र कंप्लीट हुआ। तो क्या क्या हुआ नवारण मंत्र की विधि में? पहला ये है कि आप भगवती की पूजा करके उनको बुलाएं, उनको जो जो चीज़ें लगती है वो दें, उनको स्नान कराएं, उनको वस्त्र दें, उनको सुगंध दें, उनको नवेद दें। ठीक है, हाँ, अगर आप नहीं उस समय सक्षम है इतना करने के लिए तो आप सीधे कुंजिका स्तोत्र से शुरू करें, भगवती का न्यास कर लें, और उसके बाद मंत्र का जाप करके भगवती को दे करके, और उसके बाद भगवती का कोई स्तोत्र गा के भगवती को विदा करें। आज के लिए इतना ही, आप लोग सभी को अलग आदेश, माँ भगवती आप लोगों को हमेशा खुश और धन्य धन से परिपूर्ण रहे। अलग आदेश।